अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, खैराफियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, ये दोनों मॉडल आए हुए हैं, ओप्पो A38 और वीवो Y17S, 6 GB 128 GB 6 GB 128 GB। और इन दोनों मॉडलों का हम करेंगे कंपैरिजन और आपको बताएंगे कौन सा मॉडल लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। वीवो Y17S में आते हैं 3 कलर, ब्लैक, ग्रीन और ऑरेंज। माशाल्लाह से ये नया वेरियंट आया हुआ है ऑरेंज कलर। पहले आते हैं वीवो Y17S पर, इसका कंपैरिजन इस मॉडल के साथ करेंगे। बॉक्स पहले से ही ओपन किया हुआ है। वीवो Y17S में आते हैं 3 कलर, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू। वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो पूरा देखना माशाल्लाह से, और वीडियो की एंड में एक अच्छी सी कमेंट करना। और अभी तक आपने सब्सक्राइबर नहीं किया तो वो भी कर दें। वीवो Y17S में ये ऑरेंज कलर माशाल्लाह से पहली मरतबा इन्होंने दिया हुआ है। पहले आते थे 2 कलर, ग्रीन और ब्लैक, माशाल्लाह से अभी ये नया कलर इन्होंने दिया हुआ है। वीवो Y17S की वीडियो की एंड में प्राइस भी बताऊंगा माशाल्लाह से। और वीवो ओप्पो A38 के साथ इसका कंपेरिजन भी करेंगे और कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और पहले आते हैं इसके फीचर्स पर। माशाल्लाह से ये वीवो वाले ने एक अच्छी डिवाइस निकाली है, 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ, और आगे वाली कैमरा इसकी 8 मेगापिक्सल होती है, और 15 वाट का इसका चार्जर होता है, एक अच्छा सा चार्जर, वो भी भाई वालों को चेक करवाते हैं। 15 वाट इसका चार्जर होता है और 1 साल वारंटी के साथ ये माशाल्लाह से डिवाइस चेक करो, बेहतरीन लुक होता है इसमें। और इसमें 3 कलर आते हैं वो भी आपको बताया, और इसकी प्राइस माशाल्लाह से आपको वीडियो की एंड में ज़रूर बताऊंगा। और वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो माशाल्लाह से पूरी देखा करें, और वीडियो की एंड में एक अच्छी कमेंट भी किया करें, और हमें लाइक सब्सक्राइबर की माशाल्लाह से बहुत ज़रूरत है, वो भी कर दें। और इसमें फीचर्स भी माशाल्लाह से अच्छे दिए हुए हैं, 6 GB प्लस 6 GB, और माशाल्लाह से 128 GB एंड्रॉइड 13, और बहुत बेहतरीन डिवाइस है वीवो वालों की। और माशाल्लाह से इस डिवाइस को कर देते हैं साइड। फिर आते हैं ओप्पो A38 पर, जो 6 GB प्लस 6 GB, 128 GB और 33 वाट वॉक चार्जर और 50 मेगापिक्सल कैमरा, और इसकी फ्रंट वाली कैमरा 5 मेगापिक्सल। फिर करेंगे इन दोनों मॉडलों का कंपैरिजन, इन मॉडलों में से कौन सा मॉडल आप ले रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ओप्पो A38 माशाल्लाह से एक बेहतरीन डिवाइस और ज़्यादा से ज़्यादा चलने वाली डिवाइस भी होगी। और इसमें आते हैं 2 कलर माशाल्लाह से, एक आता है गोल्डन कलर, दूसरा आता है ब्लैक कलर। अभी हमने जो वीडियो बनाया है वो गोल्डन कलर का बनाया है, ये चेक करो माशाल्लाह से लुक इसका, ये एक अच्छी डिवाइस होगी इंशाल्लाह। और 33 वाट सुपर वॉक के साथ इसकी कैमरा भी चेक करेंगे, कैमरा की कंपैरिजन करेंगे, है तो दोनों की कैमरा सेम, 50 मेगापिक्सल इसकी भी कैमरा है, 50 मेगापिक्सल इसकी भी कैमरा है। और माशाल्लाह से डिवाइस चेक करें, ये वीवो की Y17S की भी डिवाइस चेक करें और ओप्पो A38 की भी डिवाइस चेक करें, दोनों माशाल्लाह से एक अच्छी डिवाइस हैं। और वीडियो स्किप नहीं करना इंशाल्लाह, इसकी दोनों की प्राइस में अभी बता रहा हूँ, आप भाई वालों को चेक करो माशाल्लाह से, इनकी एक बेहतरीन क्वालिटी दी हुई है। ये पोर्ट्रेट में पिक्चर है, ये नाइट मोड इसमें दिया हुआ है, नाइट में भी निकाल सकते हैं। और माशाल्लाह से इसमें दूसरे फीचर्स भी अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। और इसकी प्राइस जो है ना Y17S की, ये 33,500 रुपया 6 GB 128 GB में इन्होंने निकाली। पहले तो इनका रेट ज़्यादा था, अभी माशाल्लाह से रेट कम हो गया है, वो भी हम भाई वालों को वीडियो में ज़रूर बताते हैं कि अभी इनका क्या रेट है। अभी इसका रेट है 33,500, और जो ओप्पो है A38 वो जो है ना अभी वो 40,000 की इन्होंने डिवाइस लॉन्च की हुई है, अभी नई डिवाइस है माशाल्लाह से। अभी कल तक स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा और नए नए मॉडल आते हैं कल इंशाल्लाह। और दूसरा मॉडल भी आ रहा है रेडमी A3, जो एक अच्छी डिवाइस और बेहतरीन डिवाइस है, 4 GB 128 GB में कल उसका वीडियो बनाएंगे, और इंशाल्लाह उसके साथ भी किसी मॉडल का कंपेरिजन करेंगे, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए ये आप भाई वालों पे छोड़ देते हैं। वीवो Y17S लेना चाहिए या ओप्पो A38 लेना चाहिए,
ये दोनों अच्छी डिवाइस है और माशाल्लाह से हमें भी ये दोनों डिवाइस पसंद आई। कलर पहले ये नहीं आता था, अभी ये नया कलर आया है ऑरेंज कलर, ये भी एक अच्छा कलर दिया हुआ है। ओप्पो A38 में भी माशाल्लाह से दोनों कलर अच्छे हैं और माशाल्लाह से वीडियो की एंड में एक अच्छी सी कमेंट भी करते हैं, लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें माशाल्लाह से।